रहे हैं, which is very strange for me. But वो कुर्सी जो आपके पास खाली है वहां पर, हमने कहा कि we'll get somebody जिनका स्टैचर वीरू पाजी की तरह हो, जिनका मतलब बोलने का अंदाज इनकी तरह हो, जो एक ऐसे इंसान हो who can match him, you know, word for word. तो आइए बुलाते हैं आज स्पेशल गेस्ट, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ऑन द वेरी शो. लेट्स वेलकम हिम आउट, जोरदार तालियां के लिए. अरे मेरे क्या हाल है. कपिल पाजी का शो, हाँ जी, मैंने आपका करेक्टर करेक्टर लेस करके लाया. आपके करेक्टर को मैंने टोटल करेक्टरलेस कर दिया. थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया पर मेरे को रिसीव करने के लिए नहीं आया. फिर मेरे को लगा कि मैं कोई मैसेज तो हूं नहीं जो मेरे को रिसीव करने के लिए आएगा. मैं कहा ऐसे ही आ जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सुनीत मंत्रा, आप दोनों का मैच देखा, बहुत अच्छा लगा. अरे मतलब मैच नहीं, मैच थोड़ा खेलते हैं. मैच नहीं, मैं कपड़े मैच की बात कर रहा हूँ. जहाँ तक कपड़े की बात है, अगर हम कपड़े की बात करें तो मुझे कपड़े से याद आया कि आप बाउंड्री के सहवाग हैं तो मैं लॉन्ड्री का सहवाग. पर हम कैसे मान ले? मानना पड़े, जैसे ये पटक पटक के शॉट मारते हैं, मैं पटक पटक के कपड़े धोता हूँ वैसे से. या जैसे मेरा भी 319 कपड़े एक दिन में धोने का रिकॉर्ड है. मैंने 319 कपड़े धोए हैं. और जैसे ये 319 रन मार चुके हैं, मैं भी उतने ही कपड़े धो चुका हूँ एक दिन में. और सबसे बड़ी बात, 94 पे आके ये परवाह नहीं करते, नर्वस हुए बिना सिक्सर मार देते हैं सेंचुरी बनाने के लिए. उसी तरह मैं भी पटक पटक के कपड़े धोता हूँ, मैं भी परवाह नहीं करता हूँ किसके कपड़े हैं, चाहे मलमल है चाहे सेटिन है, मैं भी पटक पटक के मारता हूँ. थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि एक दूल्हे की शादी थी, अपने कपड़े लेके आया और मैंने उसके कपड़ों को धोया तो कपड़े फट गए, मैंने परवाह नहीं किया. मैक्सिमम उसने फेरे लिए लेकिन बहुत खुश हुआ, उसको सुहागरात में आसानी होगी थोड़ी सी. यही बातें करते रहेंगे, थोड़ी मैच की भी बातें करेंगे. मैच की बात करें तो असली सहवाग जो है ये किंग्स इलेवन पंजाब के मेंटोर हैं और वहाँ पे प्रीटी जिंटा है, तो बड़ी आसानी हो जाती है इनको. अगर मैच जीते तो प्रीटी जिंटा इनको हक करती है, अगर हार जाए तो इनके शोल्डर पर सर रख के रोती है. तो जो भी हो बात, मैन ऑफ द मैच यही होते हैं. और सेवाग सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मेंटरशिप के बारे में? किस इस मेंटरशिप के बारे में? अपनी मेंटरशिप के बारे में. मेरी मेंटरशिप चल कर रही थी, उससे मैं शो में आया मतलब हारना शुरू हो गया. आपको लेकिन जियो तंत्रवादन करने का फायदा बड़ा हुआ है. क्या? क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं पंजाब, पंजाब से इतनी फ्लाइटें पकड़ते हैं, आपको रास्ता मुंह जवानी याद हो गया. अब ये पायलट को बता देते हैं कि इंदौर से नहीं भोपाल से निकालो, वही वहां पे पतंगे उड़ रही है. पतंग आ जाए. जैसे आपने अपनी टीम में अगर देखें तो गेल लिया, मैंने कल जाके तेल लिया, और हमारी लाइट चली गई. लाइट में ना तो गेल दिखता है ना तेल दिखता है, कुछ भी नहीं होता. आप मेंटोर हैं पंजाब की टीम के, उसी तरह से मैं भी मेंटोर हूँ अपने बच्चों की टीम का. सच्ची? हाँ जी. मेंटोर नहीं मतलब कि बेबीसिटर है आप, बेबीसिटर होंगे ना? वो है. हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं बेबीसिटर हूँ क्योंकि मैं कल अपनी बेबी के ऊपर बैठ गया तो मेरी बीवी ने मेरे को बड़ा मारा. बच्चे के ऊपर बैठ गया. और बेबी सिटिंग में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, लेकिन हमारे में एक सिमिलरिटी और भी है. जैसे ये सीटी मार मार के खेलते हैं, बेबी सिटिंग में भी सीटी मार मार के कराना पड़ता है बच्चे को. जी, तो ये एक सिमिलरिटी है. और आप ये भी चेक करते हैं, हम भी चेक करते हैं कि ये चेक करते हैं कि स्कोर हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग चेक करते हैं कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों हम लोग चेक करते हैं, दोनों बेबी सिटिंग में जाते हैं.
मैच गिना पड़ेगा। क्रिकेट में अगर देखे तो सेंचुरी लगती है, लेकिन बेबी सीटिंग में पिचकारी लगती है, तो ये भी एक चिंता रखी है। पर सर आप दोनों सही में कितने सिमिलर हैं मालूम करने के लिए थोड़ा एक बार आप दोनों अगर एक छोटा सा वॉक कर जाए हमारे लिए, हमारे दर्शक भी कम से कम देख के पहचान ले तो सही। हाँ हो जाए एक बार, वीरेंद्र सहवाग एंड वीरेंद्र सहवाग कंपनी, बजाओ ताले। मतलब नकली वीरू पाजी कपड़े धोने वाले और बच्चों को सुलाने वाले, कमाल की बात है। कुछ कह रहे थे आप सभी? मैं कह रहा हूँ असली सिमिलरिटी तब पता चलेगी जब बॉलिंग डाली जाएगी। हाँ, वीरू पाजी को भी तब पता चलेगी असली सिमिलरिटी, तब आएगा समझ में कि ऐसे ऐसे 300-400 रन कैसे बना लिए जाते हैं, इतना आसान नहीं है। देखिए क्या फिर भूल के भी आमद कह देना। भूल के भी नहीं, भूल के तो मैं कह दूंगा, भूले में कोई टेंशन नहीं है मेरा। आप कह दीजिएगा खेलना पड़ जाएगा, जो क्वेश्चन आप पूछो मैं करता हूँ बोलिंग आपके लिए। अगर आपका जो क्वेश्चन आया तो बोलिंग करवाते हैं, आज मैच हो ही जाए, देखी जाएगी। आइए मोगरी कहाँ से लाएंगे? बैट बॉल फाटा 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 पीछे ऊपर देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर भाई, जस्ट फ्यू डेज टू गो और राजस्थान आरसीबी एसआरएच केकेआर, बहुत ही क्रूशियल मैच फॉर केकेआर और दिल्ली मुंबई अगेन दिल्ली विल दे बी पार्टी स्पॉयलर्स, और आखिरी मैच वहां पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे किंग्स 11 पंजाब। भाई बड़ा मैच, तगड़ा मैच और आखिरी मैच टूर्नामेंट का वीरू पाजी, इस वक्त क्या कहना चाहिए प्लेयर्स को? वन गेम टू गो, सारी टीम्स इवन स्टीवंस हैं, क्या कहेंगे आप प्लेयर्स को इस वक्त? मतलब मैं ये कहूँगा कि नथिंग टू लूज है, जाइए खेलिए बिंदास, 100% एफर्ट मारिए, कोशिश करिए अपनी टीम को जिताने की, वही कह सकते हैं क्योंकि अब लास्ट मैच में कुछ बचा नहीं है, जो कहना था बहुत कुछ कह चुके हम, जो करना था बहुत कुछ कर चुके प्लेयरों के लिए, अब प्लेयरों का टाइम है, उनको परफॉर्म करना है, किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े होना, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, अगर ऐसा हुआ तो टीम जीतती है, नहीं हुआ तो नहीं जीतती। सबसे बेहतरीन शुरुआत टूर्नामेंट में कई सालों बाद किंग्स 11 की, उसके बाद जब कह रहे हैं जब से आप टीम इतना जब होम नहीं कर रही है तो वैसे की नजर लगी है, लेकिन इससे काफी डिमोटिवेट होते होंगे प्लेयर्स, वापस से हैव टू राइज टू द ओकेजन, तो क्या क्या बोलेंगे इनको? जरूर होते हैं क्योंकि हम लोग लगभग 3 या 4 लगातार मैच आ रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा जो मोरल था टीम का थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आरसीबी भी हारे, मुंबई भी हारे, केकेआर भी हारे, तभी हमारा चांस है कि हम लोग पहुंचे प्लेऑफ तक, बट वो तो शायद हमारे मैच तक पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट मैच हमारा है, बट एक चांस है अभी भी, अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर प्लेयरों में जोश आएगा कि चांस है हमारा क्वालिफाई करने का, तो चेन्नई को हरा सकते हो, क्योंकि पहले चेन्नई को हरा है जी। क्रिस गिल की तूफानी बल्लेबाजी ने, केएल राहुल और करुण नायर इन लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, सो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई अगर आज दिल्ली से जीतेगी तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी, लॉ ऑफ एवरेजेस में हार भी सकती है चेन्नई आखिरी मैच। दोनों को देख रहा हूं, दोनों तैयार है, बड़ी नकल बल्ला भी है, बैट भी है, बॉल भी है, बुलाते हैं यहां पर, लेट्स हैव द कॉन्टेस्ट आउट, लेट्स गेट द बैट बॉल ऑन द शो, सहवाग वर्सेस सहवाग, हाय सर, सहवाग वर्सेस सहवाग, क्या बात है सर, क्या बात, ये लीजिए सर बैट, इधर योर बॉल्स, वीरू वर्सेस वीरू, खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए, हो जाए हो जाए, मैं हो जाए, गिव इट अप, सुनील से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आके यहां पे बैक कीपिंग कर रहा, एक बंदा विकेट बन जाओ, आज विकेट आ गया, आज मैं पर कभी ना लगनी विकेट पे, चलो यहां खड़ा हूं मैं, आइए चलो भाई, रेडी बैट्समैन रेडी, वीरू रेडी, यस वीरू रेडी, रेडी आना होता है।
कई बार एक दूसरे के साथ खेल चुकी है। हियर इज द हेड टू हेड सिचुएशन, हेड टू हेड अभी बोल रहे हैं बिकॉज हेड बचा है किसी का यहाँ पर शो पे। हेड टू हेड 5 vs 12 एंड इट्स क्लियरली गोइंग टुवर्ड्स द चेन्नई सुपर किंग्स। और अगर फिरोज शाह कोटला की बात की जाए तो वंस अगेन लुकिंग वेरी मच इन फेवर ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। द बैट्समैन आर रेडी ऑन द फील्ड, देयर रेडी ऑन द ग्राउंड। और आपको बता रहे हैं कि वील ऑल बी सिटिंग आउट हियर वॉचिंग द गेम टुगेदर। आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट टू बी वॉचिंग दिस गेम विद बोथ द वीरूज एंड वी ऑल्सो हैव सुमित एंड मंत्रा गोना बी ऑन द शो जॉइनिंग अस आल्सो। सो यू गाइस गो एंड हैव लोड्स के लिए बहुत बहुत बधाई, एंजॉय द गेम, आल्सो प्ले द जियो, प्ले अलोंग एंड विन लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्राइजेस फॉर योरसेल्व्स। यू कैन विन अ हाउस फॉर योरसेल्व्स एंड लॉट्स ऑफ अदर फन स्टफ। सो वी विल सी यू इन द मिडल ऑफ द मैच एंजॉयिंग आवरसेल्व्स हैविंग फन ओनली ऑन जियो। डन डन।